हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप हम जानने वाले हैं गूगल पे के बारे में, जिसमें आप 1,000 रुपए तक कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलो जानते हैं ये ट्रिक क्या है। मैं आज आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। ये देखिए मेरा अर्निंग का एक स्क्रैच कार्ड है, जिसमें 894 मिला है मुझे। यहाँ पर मैंने 1,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया था, तो 1,000 रुपीज को ट्रांजेक्शन के लिए 894 रुपीज मिला है। ये सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखिए, इसमें अर्निंग मिला है मुझे ओनली 450 रुपीज का ट्रांजेक्शन में मुझे 699 रुपीज मिला है। ये देखिए 699 रुपीज, और ये देखिए 450 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अगला देखिए, ये देखिए 584 रुपीज का है ये कूपन मिला है हमें। और ये देखिए हमने 150 रुपीज का सिर्फ 150 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया था। तो चलो देखते हैं आगे। हम ये देखिए मेरा एक अकाउंट है, इसका टोटल अर्निंग है अभी 1,504 रुपीज, 1,504 रुपीज है। तो ये देखिए उस अकाउंट में मुझे 584 रुपीज का कूपन मिला है। तो ये देखिए ये वाला है कूपन 584 रुपीज का। अब मेरा सेकंड अकाउंट देखिए, ये देखिए सेकंड अकाउंट, इसमें है 1,047 रुपीज मिला है। इसमें हमें 894 रुपीज का कूपन मिला है। तो आज जानने वाले हैं हम कि ये हमने कैसे किया, हमने ये क्या ट्रिक लगाई है इसके लिए। तो हम आज पूरा जानेंगे, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक है, हम दोनों ट्रिक का मैं आज आपको दोनों ही ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक्स क्या है। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इसके लिए यहाँ रेड बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके सामने वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। ये देखिए मेरा ये वाला अभी जो 894 कूपन है वो ये देखिए कूपन, इसके बाद 829, इसके बाद 750 रुपीज मिला है, ये देखिए 416 रुपीज। तो ये देखिए आपने, ये सब मैं और मेरे कलीग मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट है जो हमने मिल के कमाए हैं। ये सारे मनी हमने अर्न किया है गूगल से। तो आज हम जानने वाले इससे गूगल से कैसे इस मनी अर्निंग करने का। तो चलो चलते हैं देखते हैं। चलो मैं आपको मेरे कुछ कूपन्स दिखाता हूँ जो मैंने अर्निंग किया है। ये देखिए ये है 201 रुपीज का, इसके बाद ये देखिए ये 101 रुपीज का है, इसके बाद ये देखिए 99 रुपीज का है, इसके बाद ये देखिए 71 रुपीज का है ये, और इसके बाद ये देखिए ये 51 रुपीज का है। मैं ये सारे कूपन आपको बताऊंगा कैसे मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 51 के टोटल 5 कूपन्स मिले हैं। ये देखिए टोटल 5 कूपन्स मिले हैं मुझे। तो ये कैसे मिले, ये देखिए ये 33 का है। इसके लिए मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आई तो मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप मुझे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करते के भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट को भी आपका आंसर दे दूंगा। तो ये देखिए मेरा 27 रुपीज, 24 रुपीज, 24 रुपीज, 22 रुपीज, 18 रुपीज, 17 रुपीज, 16 रुपीज, 16 रुपीज। इस तरह मैंने अभी तक 1,504 रुपीज कमाए हैं। और जो दूसरा वाला मेरा अकाउंट है, उसमें मैंने 750 रुपीज कमाए। तो चलो देखते हैं, देखिए ये देखिए 750 रुपीज मिले हैं मुझे। ये आप देख सकते हैं मेरा अर्निंग, इतना सारा मैंने अर्निंग किया है। चलो सबसे पहले हम गूगल पे के ऐप को इंस्टॉल कैसे करने का ये जानते हैं। तो जल्दी से हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये वाली लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आ जाएगा ओपन विथ। तो हमें गूगल क्रोम से ओपन करना है, तो गूगल क्रोम पे क्लिक कीजिए।
तो एक एक बार फिर से हम गूगल क्रोम भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए लोड हो रहा है। जैसे ही ये लिंक लोड हो जाएगी, ये देखिए ये वाली विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप हमें गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। तो चलो मैं गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये बैकग्राउंड भी सेम आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो मैं गूगल प्ले पे क्लिक करता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे। तो ये देखिए गूगल प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। और ये देखिए यहाँ दिखा रहा है अनइंस्टॉल और अपडेट। तो मैंने ये गूगल पे और ब्लिक तेज मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, इसलिए मुझे अपडेट दिखा रहा है। तो मैं अभी गूगल पे पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास गूगल पे का एक और ऐप है, तो मैं उस पे लॉग इन करता हूँ। आपको भी सेम ही विंडो आ जाएगी। अगर आपको इंस्टॉल करते समय कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आप फेस करेंगे तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उस और मेरे फेसबुक ग्रुप के भी मैंने लिंक, फेसबुक पेज के भी मैंने लिंक दे दी है, तो उस पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हमें ये ऊपर जो राउंड है उस पे क्लिक करना है। तो चलो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूं। इसके बाद हमें ये राउंड वाला है कॉर्नर, उस पे क्लिक करना है। तो मैं चलता हूं, क्लिक करता हूं। यहाँ पे अलाउ, एक बार फिर से अलाउ, एक बार फिर से अलाउ किया। तो ये देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है। ये देखिए मेरा सेकंड वाला अकाउंट हो गया अभी लॉगिन। ऑसम इन्फो विथ ट्रिक्स। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब ये ओटीपी के लिए वेटिंग करेगा। अगर आप इंस्टॉल करते समय आपके कोई कोई इश्यू है तो प्लीज मेरे मुझे वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के लिए कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए हमारा ओटीपी चेकिंग किया हो रहा है। ये प्रोसेस अभी कंप्लीट हो जाएगी और हम लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए अब हमें पूछ रहा है यूज गूगल पिन। तो हम सिक्योरिटी के लिए हमारा गूगल पिन ही रखेंगे। तो मैं अभी चार डिजिट को मैं टाइप करता हूँ। अभी कंटिन्यू जाके मैं अब चार डिजिट टाइप करता हूँ। तो ये देखिए मैं टाइप किया। ये देखिए मेरा गूगल पे का अकाउंट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे है एड बैंक, तो हम एड बैंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम हमारा जो बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें अलाउड करना होगा। तो ये देखिए ये SMS को सेंडिंग करेगा और ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट इसमें अपडेट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अब मैं आपको बता देता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ मेरी पहली ट्रिक क्या है। तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को बोला कि मुझे आप थोड़ा पैसे भेज दो। तो उसने मुझे क्या 5042 रुपीज़ भेज दिए। तो ये देखिए यहाँ एक मुझे स्क्रैच कार्ड मिला, और उसके बाद अगले ही दिन मैंने उसके पैसे उसको रिटर्न कर दिए। ये देखिए रिटर्न कर दिए। तो उस वक्त मुझे और एक स्क्रैच कार्ड मिला। तो इस तरह हम हमारे फ्रेंड को पैसे भेज के और उससे पैसे लेंगे तो हमें एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और ये पूरा फ्री में हो जाएगा। इस तरह आप आपके फ्रेंड को पैसे भेजिए और उससे पैसे लीजिए, तो इसमें आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा और आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। और इसमें एक मेरा सजेशन है आपको, आप करते समय ट्रांजेक्शन करते समय आप कोई भी राउंड फिगर वाला वैल्यू ट्रांजेक्ट मत कीजिए, जिससे हमारे को स्क्रैच कार्ड मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, विदाउट राउंड फिगर वैल्यू का ट्रांजेक्शन करेंगे, और हम हर बार कोई अलग थीम लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने गिफ्ट का थीम लगाया है, नीचे मैंने
और डिफरेंट थीम लगाइए। आप हर ट्रांजेक्शन करते समय कोई डिफरेंट डिफरेंट थीम लगाइए। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांजेक्शन कैसे करने का, उसका लाइव में आपको दिखाऊंगा ट्रांजेक्शन कैसे करने का। चलो तो पेमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पहले फ्रेम को एक क्लिक किया, तो ये देखिए ये वाली विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे 6000 के लिए उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। ये देखिए 6000 के लिए उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। यहाँ पे हम पे करके भी ये इसका पेमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद डिक्लाइन किए तो वो पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं जो नीचे जो पे का बटन है तो उस पर क्लिक करूंगा और उससे पेमेंट करूंगा। तो चलो देखते हैं। पे पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए मैंने यहाँ 1000 रुपीज टाइप किया। उसके बाद जो नीचे है नोट्स है उसका डिस्क्रिप्शन है वो भी हम डाल सकते, यहाँ पे डाल सकते। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर नीड। इसके बाद मैंने ओके किया। ये देखिए यहाँ बहुत सारी थीम है ये राउंड वाली, तो हम क्या करेंगे इसमें से कौन सी तो एक थीम को लगाएंगे। ये देखिए मैंने क्रिकेट की थीम लगाई। उसके बाद मैंने पेमेंट प्रोसीड किया। यहाँ मुझे मेरा पिन डालना है जो 6 डिजिट वाला होता है, तो मैंने यहाँ पे मेरा पिन डाल दिया। जैसे ही मैंने पिन डाला तो उसके बाद हम नीचे ओके किया, तो ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग, ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ये देखिए मेरा पेमेंट प्रोसेस हो गया, और ये देखिए मैंने 2 स्क्रैच कार्ड अर्न किए हैं। तो चलो देखते हैं वो स्क्रैच कार्ड क्या है, हमें क्या कौन सा स्क्रैच कार्ड मिला है। तो हम वापस से हमारे स्क्रैच कार्ड, ये देखिए हमें स्क्रैच कार्ड मिला है यहाँ पे, तो उस पर हम चलते हैं। तो ये देखिए हमने 2 स्क्रैच कार्ड मिले हैं हमें, तो ये एक ओपन करते हैं। ये देखिए हमें मिला है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपको ये भी मिल सकता है।